अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है काम भाई? अच्छा गुड। बीम डल गया था? नहीं ऊपर, नहीं अभी ऊपर हम बीम डालेंगे, लेकिन नीचे आर्मेचर डल गया था ना, और गार्डर्स वगैरह ठीक है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि हम के आज रात को इस मुजस्मे को इंस्टॉल कर दें यहाँ पर, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है ना, कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, जबरदस्त। और इधर और गेट पे कितना काम रह गया? गेट पे बस सिर्फ इसकी जो ठीक। बहुत शुक्रिया। आइए अब हम अंदर चलते हैं, हम देखते हैं कि मुजस्मा कहाँ बन रहा है। ये जो जगह थी इस पर मुजस्मा प्लेस होना था, और यहाँ का जो जितना भी एक्सटीरियर और इंटीरियर का डिज़ाइन है ये सब मैंने किया है। ये हेड क्वार्टर MLC है, और इसका गेट भी डिज़ाइन हुआ है, इसका गार्ड रूम एज अ गेस्ट हॉल के तौर पर भी यूज़ हो रहा है। और ये जो मेरे पीछे की जानिब आपको दो पिलर्स नज़र आ रहे हैं, इस पर नक्शा यानी पाकिस्तान का नक्शा अवेज़ा किया जाएगा, जिसके ऊपर ये दिखाया जा रहा है कि हेडक्वार्टर MLC अक्सल में पाकिस्तान में अपनी क्या खिदमात पेश करता है। बहुत शुक्रिया, अंदर चलते हैं। वेलकम टू माई स्टूडियोज। हेलो बेबीज, दीज आर माई बेबीज। मेरे बहन भाई के बच्चे आए हुए मुझे वेलकम करने के लिए, लव यू। हम अपना स्टेप्स यहाँ से शुरू करते हैं, मुजस्मा बनाने की जो बेसिक नीड्स हमें शुरुआती मराहल में चाहिए होती हैं चीज़ें, वो है क्ले। ये यहाँ मिट्टी बनाता है, इसका नाम साद है, और बड़ी अच्छी मिट्टी बनाता है। और इस पूरे टीम की रफ्तार जो है वो साद की रफ्तार पे डिपेंड करती है। हमें जितनी तेज़ी से मिट्टी बना के देगा हम उतनी तेज़ी से काम कर सकते हैं। इधर ये नवीद है और ये हमाद है, ये दोनों ये इस तरह से मेरे साथ हेल्प आउट कराते हैं कि जब मैं क्ले के अंदर अपना काम कर लेती हूँ ड्राइंग करने के बाद। ये बेसिकली होता है कि क्ले जब मैं इसमें टूल्स चला रही होती हूँ तो ये रफ़ हो जाती है। इन दोनों बच्चों का काम होता है कि उस रफ़ क्ले को ब्रशिंग करके स्मूथ करें, जिससे मुझे आसानी हो जाती है और डिटेलिंग मेरे लिए क्लियर हो जाती है। और अगले पीस पे चलते हैं। अच्छा बेसिकली अब जो यहाँ बन रहा है, मैं ये भी बताती चलूँ कि यहाँ पे सड़क कैसे बनती है, और उसके लिए हेडक्वार्टर MLC की जो सर्विसेज होती हैं पाकिस्तान के लिए वो दिखाई जा रही हैं। उसके बाद आगे जैसे कि वो लैंड सर्वे करते हैं, लैंड सर्वे के कुछ टूल्स इक्विपमेंट्स और उनकी जो मैन फोर्स है वो दिखाई जा रही है। इससे हम अगर आगे आ जाते हैं तो इस जगह पे हम लोग बना रहे हैं कैंट बोर्ड हॉस्पिटल, यानी कि हेडक्वार्टर MLC के अंडर सारे कैंट बोर्ड्स आते हैं पाकिस्तान के, और कैंट बोर्ड जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है वो फैसिलिटीज़ हम दिखा रहे हैं, जिसमें से एक फैसिलिटी जो बेसिक फैसिलिटी शहर को बनाने के लिए जदीद सहूलियात से रास्ता करने के लिए हॉस्पिटल होता है। हमने इसमें हॉस्पिटल बनाया, हॉस्पिटल के साथ ही हम लोगों ने एक इमरजेंसी दिखाई है कि एक जगह आग लग चुकी है और कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से फायर ब्रिगेड्स आग बुझाने के लिए जा रहे हैं, और वहाँ से एम्बुलेंसेज उनको जो वहाँ पर हादसाती तौर पर ज़ख्मी हुए हैं उनको लेके वापस हॉस्पिटल में आ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? औरंगज़ेब है वन ऑफ़ द बेस्ट हेल्पर ऑफ माइन, मतलब मैं इस पर बहुत डिपेंड करती हूँ। ये जिस दिन नहीं आता उस दिन मेरे काम की स्पीड कम हो जाती है, ये आलमोस्ट समझे आधा आर्टिस्ट बन चुका है। हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो इसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस गिराना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस गिराने के बाद उसके लिए मेरी टीम अभी यहाँ पर मौजूद नहीं, उस तरफ लगी हुई काम, क्योंकि वो ये ग्राइंडिंग बफिंग की जानिब चल जाती है। ये हमारे पास एक डाई उतर के आ चुकी है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। इस डाई का ये है कि इस वक्त ये रिवर्स पड़ी है। उस डाई में हमने ये दिखाया कि कैंट बोर्ड शहर को साफ भी रखता है, कैंट बोर्ड फैसिलिटेट भी करता है कि हमें जो हम सिग्नल जोन हैं उनको, फ्लाई ओवर्स को, इसके अलावा जो राउंड बोर्ड्स हैं उनके ऊपर जो सिग्नल जोन हैं, यानी कि नर्सरीज वगैरह को यहाँ पर लैंड को करना कि वो उसको कैसे ग्रीन किया जाए, लश ग्रीन किया जाए। तो उस हवाले से जब ये डाई उतर के आती है तो ये बड़ी एक जिम्मेदारी का काम है। यहाँ पे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, मैं समझती हूँ और इत्तेफाक करना किसी का इस बात से कतन ज़रूरी नहीं है कि लड़कियाँ ज़्यादा ज़िम्मेदार होती हैं, इसलिए मैंने इस सेक्शन के लिए हमेशा लड़कियों को चूज़ किया है। हमारा अगला सेक्शन उस तरफ है जिसमें इसमें से पीस कास्ट होने के बाद ग्राइंडिंग बफिंग और पेंट पेस्टिंग के लिए मार दिया हुआ है। अभी आपने पीछे प्रोसेस देख लिया कि कैसे स्कल्पचर्स बन रहे थे। अभी वो जो आपने सफ़ेद रंग की प्लास्टर ऑफ पेरिस की डाई देखी है उसके अंदर का निकला हुआ कास्ट और पीस जहाँ पड़ा हुआ है, इस टीम को यहाँ लीड कर रहे होते हैं सुधीर साहब बेसिकली सेक्शन के लीडर हैं, और वो हमाद साहब हैं, हमाद साहब पेंटिंग को संभालते हैं,
पेंट करते हैं इन एरियाज को, हमीद साहब सॉरी, और ये सफ़ीर और ये समामा। इनका नाम बड़ा क्रिएटिव है, मुझे याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसका नाम। तो ये यहाँ पर एक तो बेसिकली डाइस को साफ़ करते हैं और ग्राइंडिंग बफिंग की तरफ लेकर जाते हैं, एंड में उनको पेंट करके रेडी करता है। और साथ साथ यहाँ पे एक अज़र भाई हैं जिनका काम है वेल्डिंग करना, वो उसके साथ साथ वो थोड़ा सा आखिरी जो टचअप्स होते हैं उनमें मेरी हेल्प करता है। और हम इस तरफ अब आ जाते हैं, ये हमारे पीसीज हैं इस पे लगने। एक आध पीस ज़रा रख के दिखाना यहाँ पर हमजा, ज़रा हेल्प आउट कराओगे तुम इनको पीस रखने में? कोई सा भी एक पीस जो नीचे की जानिब का हो रख के दिखा दो, आसानी हो जाए। ज़बरदस्त सुधीर, ये हमजा मेरे साथ रहता है, मुझे ज़्यादातर इसकी हेल्प चाहिए होती है, छोटे छोटे मामलात में हमजा से हेल्प कराती हूँ। और ये भी समझे एक तरह से आधा आर्टिस्ट बन चुका है, अच्छा काम करता है, बड़ी हेल्प कराता है मेरी। इस तरह से हम इसके ऊपर पीस पेस्ट करेंगे। और इस पेस्टिंग में ये सुधीर साहब जो हैं, ये क्योंकि इस सेक्शन के हेड हैं, यही इस तरफ मूव होकर आते हैं क्योंकि इनकी बहुत अच्छी वेल्डिंग है, अज़र की इनकी वेल्डिंग बहुत ही, दोनों एक तरह से समझे एक जोड़ी, हम इसको कहते हैं दोनों जोड़ी हैं, ये जोड़ी बनकर और काम करते हैं इसके ऊपर। ये 30 फुट बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का नक्शा है जिसके ऊपर हम सर्विसेज दिखाएंगे हेडक्वार्टर MLC की, जो कि कैंट बोर्ड्स को लीड करते हुए कैंट बोर्ड के अंदर जदीद सहूलियात फराहम करता है। हम इसके कुछ पीसेस देखते हैं जो ऊपर इस पे लगने हैं मजीद। इसमें यह है कि हमने दिखाया जो एक और बेसिक नीड किसी भी इलाके को शहर बनाने के लिए या वहाँ पर इंसानों के रहने की जगह फराहम करने के लिए, वो है स्कूल, तालीम। इसमें हमने दिखाया कि बच्चे लड़कियाँ, फोकस मैंने इस मुजस्मे में लड़कियों पर रखा है क्योंकि हमारे यहाँ है कि हम औरतों को तालीम की तरफ रागिब करें, तो इसलिए इसके साथ में एक छोटा सा मैंने मैसेज भी दिया है कि बच्चे और लड़कियाँ दोनों, स्कूल और कॉलेज की वो बिल्डिंग है उसकी तरफ रवा दवा है, सुबह का वक्त है। और मज़े की बात है, जब ये मुजस्मा बनना शुरू हुआ था तो मैं ऑन ग्राउंड जाकर ख़ुद फोटोग्राफी करके लाई थी कैन बोर्ड की। इस बात से 7 बजे मैं स्कूल के बाहर खड़ी थी क्लिक्स लेने के लिए, बच्चे आए मैं उनको ऑर्गेनाइज करके क्लिक्स ले रही थी, बड़ा मज़ा आया। ऐसे ही एक दिन के लिए मैंने माल रोड को ब्लॉक करवा दिया, मैंने वहाँ पर सिर्फ इनकी सर्विसेज के क्लिक लिए, जैसे ये शहराओं पर जाके अपने सिग्नल सीख करवाते हैं, वहाँ के फुटपाथों के ऊपर पौधे लगाते हैं, तो उसकी जो मैंने फोटोग्राफी की थी उसकी एक झलक आप देख सकते हैं मुजस्मे के अंदर। ये मुजस्मा ज़रा सीधा करो, ये जो टीम आप इस वक्त देख रहे हैं यही टीम इस फोटोग्राफी में भी मौजूद है। पहले जो दो लड़के हैं ये इस वक्त MLC का बोर्ड लगाना चाह रहे हैं, कि दिखाना चाह रहे हैं कि हम साइनेज भी फराहम करते हैं रोड्स के ऊपर। पीछे जो ट्रक खड़ा हुआ है वो इस वक्त ये ऊपर की एक स्ट्रीट लाइट है जिसको ठीक कर रहा है, इसके साथ ही यहाँ पर सिग्नल है। ये 3-4 चीज़ अभी ये लड़के अटैच करते हैं इसके साथ। ये MLC का बोर्ड अगर सामने की पड़ा हुआ तो लगा डालो इसके ऊपर, और साथ में नीचे मैंने माली दिखाए हैं जो यहाँ पर पौधे लगाएंगे, पौधे अभी इसके ऊपर लगने हैं। मैंने सोचा कि मैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा दूँगी तो इसलिए मैंने अभी इनको रखा हुआ है। बस पीछे से पकड़ो, आगे से इसका पीछे से सिग्नल को पकड़ लो, आगे से हाथ छोड़ दो हमीद, आगे से हाथ छोड़ो, पीछे हो जाओ ताकि नज़र आए। इनके जो फैसिलिटीज़ ये फराहम करते हैं मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि मैं एक पिक्चर के अंदर दिखा सकूं जो रोड से रिलेटेड, इनके शहर के सड़कों से मुतल्लिक थी। इसी तरह से अगला पीस उठा के लाओ, वाटर सप्लाई का है, इसको रख दो नीचे, इस जगह नीचे रखो, अगला पीस वाटर सप्लाई का रखो। कि इसमें जो आप लोहे की छोटी छोटी कलाकारियाँ देख रहे हैं, ये अज़र और सुधीर दोनों मिलकर करते हैं। इनको मैं ड्राइंग दे देती हूँ और ये लोहे के पीसेस में बना के अटैच करते हैं। चलो जी अगले पीसेस ले आओ। ये एक और बुनियादी सहूलत शहर बनाने के लिए, वाटर सप्लाई। नीचे मैंने दिखाया कि कैसे फिल्टराइज होकर पानी जा रहा है टैंक में, और आपको वैसे ही पता होगा कि पुराने ज़मानों में अगर किसी शहर को देखना होता तो दूर से उसकी टंकी देखी जाती, वो टंकी है तो उसका मतलब वो वाला शहर है। और अभी तक ये रवाज अमेरिका में कायम है कि टंकियों पे उनका नाम लिख के दूर से बताया जाता है कि वो शहर नज़र आ रहा है, वो वाला शहर वहाँ है। और एक तो और उसके साथ ही हमने दिखाया कि जैसे ट्यूबवेल फराहम करके काश्तकारी करते हैं। पीछे मैंने थोड़े से पौधे वौधे दिखाए हैं, ये ट्यूबवेल है, ये इसका पानी है। और साथ में हमने दिखाया कि सोलर सिस्टम को ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बिजली की बचत की जा सके। साथ साथ हमने इसमें मैसेजेस भी देने की कोशिश की। उसके अलावा इनका एक बेसिक और भी है, जब मैं छोटी थी तो मुझे तो सिर्फ इतना ही पता था कि जी MLC सिर्फ टैक्स लेता है। ये अभी आके पता चला कि MLC टैक्स के बदले सहूलियात भी फ्राहम करता है। तो मैंने उस हवाले से टैक्स के हवाले से एक कैलकुलेटर, क्योंकि मैं उसको शो करना चाहती थी मनी को, अमाउंट को, तो ये R है, ये S यानी कि रुपीज़ का साइनिज सिंबॉलिक, और इसके साथ ये एक कैलकुलेटर है,
ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि हम दिखाएं कि ये टैक्स भी जनरेट करके देते हैं पाकिस्तान को। अभी एक टैक्स के हवाले से फिगर्स यानी के बनाए हैं कि कैसे ये लोग इनकम जनरेट करते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान को लेके, ये लोग उसके माली वसाइल कैसे पैदा करते हैं और ये मैक्सिमम इनकम जनरेट करके हुकूमत को फराहम करते हैं। ये हमारा ग्राफ है जिसमें दिखाया गया है कि ये लोग कैसे स्ट्रेटजीज करते हैं। इसकी सबसे ख़ास और मज़ेदार बात यह है कि एक तो उसकी डाइट टूट गई थी इसलिए थोड़े से इसके अंदर मिसिंग्स हैं, और इसमें जो दिखाया गया सी बी के, ये भी रिसेंटली यहाँ के जो डीजी हैं उन्होंने एक ऐप लॉन्च की है जिसमें उन्होंने यहाँ पर जो लोग शिकायत लेकर आते थे टैक्स के हवाले से, सहूलियात के हवाले से, उनको इंटरटेन किया जाता है। तो सी बी केयर आप इसको यानी कि अपने कंप्यूटर पे भी इसकी ऐप डाउनलोड, सॉरी मोबाइल पे अपनी ऐप डाउनलोड करके अपना पैगाम भिजवा सकते हैं। और सी बी केयर के यूनिट्स इन्होंने बाकायदा ऑन ग्राउंड अंदर ऑफिस बनाकर बिठाए हुए हैं, जिसमें मैंने अब इनकी अंदर इसी ऑफिस के सी बी केयर के यूनिट्स के कुछ पिक्टोरियल फार्म्स थे जो मैंने मुजस्मे की सूरत में यहाँ जाहिर की। इसके अलावा एक और चीज़ जो सी बी यानी कि कंट्रोल बोर्ड करता है वो ये है कि वो आपको तफरी गाहें फराहम करता है। अब ऐसे जो तफरी गाहें हैं वो तो मैंने दिखा दी कि जैसे चैलेंजिंग पार्क्स हैं। उसके अलावा एक और तफरी गाह जो हमारे यहाँ पिंडी में इस वक्त बड़ी मशहूर है वो है ओडियन सिनेमा। ओडियन सिनेमा पहले तो ओडियन सिनेमा था, फिर यूनिवर्सिटी में बदल गया वक्त के साथ साथ, यानी कि अंग्रेज़ दौर में भी ये बिल्डिंग थी, मुग़ल दौर की बिल्डिंग थी जो अंग्रेज़ दौर में भी रही ये सारी चीज़ें इस तरह से, तो उसको ओडियन सिनेमा बनाया गया, बाद में यूनिवर्सिटी बना दिया गया। तो इसमें दिखाने का मकसद ये है कि आपको ना सिर्फ इंटरटेन कर रहे हैं बल्कि इंटरटेनमेंट के साथ साथ वो हमारी जो पुरानी बिल्डिंग है यानी कि हमारा ओल्ड हेरिटेज उसको भी सेव कर रहे हैं। इस वक्त कैंट बोर्ड ये काम भी कर रहा है। ये थी रिफर शाहीन स्टूडियोज़ में बनने वाले मुजस्मे की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी, लेकिन इसके साथ ही उन तमाम एहतियाती तदाबीर को लागू करते हुए जो हुकूमत ने इस वक्त लाजिम की हैं, क्योंकि यही इस वक्त इंसानियत का तकाजा है। बहुत शुक्रिया।